वेलकम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजेंद्र चौहान, टीम फिजिक्स। तो आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों डीसीएम टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2021 का एमटीएस यानी मेजर टेस्ट नंबर 8। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। ओके बच्चों, तो इस प्रश्न में आपसे कहा गया है द वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड टू द वेक्टर आई माइनस 3j प्लस 2k एंड 3i प्लस 6j माइनस 7k सो दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। मतलब इसमें और कौन सा वेक्टर हम लोग इन ऑप्शंस में से ऐड करें ताकि रिजल्टेंट वेक्टर दैट विल बी यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। मतलब सीधी सी बात यह है कि जे कैप हमें प्राप्त हो जाना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसको और इसको ऐड कर देते हैं। तो 3i प्लस i ये आ गया बच्चों 4i कैप, 6j माइनस 3j ये आ गया 3j कैप, और 2k माइनस 7k मतलब ये आ गया माइनस का 5k ये आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब हमें पता है कि हमें सिर्फ चाहिए हमें चाहिए सिर्फ j कैप चाहिए। इसका अर्थ है कि हमको यहां पर i कैप वाला पार्ट और k कैप वाला पार्ट हटाना पड़ेगा। तो अब हमको यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि कौन से ऑप्शन को इसमें ऐड करने पर i कैप और k कैप से हमें छुटकारा मिल जाएगा। देखिए बच्चों, माइनस 4i कैप प्लस का 4i कैप प्लस का 5k कैप माइनस का 5k कैप और प्लस का 3j कैप माइनस का 2 मतलब यहां पर हमें प्राप्त होगा j कैप। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट सेकंड ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, द फाइव इक्वल फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन ईच आर अप्लाइड एट वन पॉइंट and all lying in the one plane if the angle between them are equal then the resultant force will be। यहां पर हमसे कहा गया है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर पांच इक्वल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और उन सबके बीच के जो एंगल्स हैं वो सेम हैं। तो हमें पता है कि अगर सभी फोर्सेस इक्वल हो और सबके बीच का एंगल सेम हो तो उन सब का रिजल्टेंट फोर्स होता है जीरो। कैसे? हम लोग चाहें तो यहां पर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन बना के भी चेक कर सकते हैं। एक इक्वल लेंथ वाला पेंटागर हमें यहां पर मिल जाएगा और फाइनली यहां पर हेड टू टेल कॉम्बिनेशन करने पर रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो आएगा जीरो वेक्टर। ठीक है, तो याद रखिए अगर सभी फोर्सेस सेम हो और सभी के बीच का एंगल सेम हो तो उस केस में रिजल्टेंट फोर्स होता है जीरो। इट मींस फ्रॉम हियर वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन और यहां पर आपसे कहा गया कि डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट इज। तो बच्चों हमें पता है क्यों होता है m इंटू एल, तो l होगा बच्चों q अपॉन m। ओके, q हीट यानी एनर्जी है, यह आएगा एम एल टू टी माइनस टू और m क्या है मास, m से m कैंसिल हो जाएगा तो यह आएगा m जीरो एल टू और t माइनस टू। ओके, सो m जीरो एल टू टी माइनस टू, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा फोर्थ क्वेश्चन और यहां पर आपसे कहा गया है केट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एक्स टू वाई विद ए यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न्स टू एक्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड वी डी विद द सेम पाथ देन एवरेज स्पीड फॉर दिस राउंड ट्रिप विल बी। जाहिर सी बात है कि हमको पता है कि अगर केट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रही है तो उसका लेंथ मान लीजिए एक्स है, तो एक्स डिस्टेंस उसने जाते टाइम भी तय की और एक्स डिस्टेंस आते टाइम भी उसने तय की। सो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो फ्रॉम हियर वी कैन से वी एवरेज एक्स गया और एक्स आया मतलब 2x आ जाएगा टोटल टाइम। टाइम के लिए मान लेते हैं जाते टाइम
समय लगा टी वन, आते टाइम लगा टी टू, तो टी वन प्लस टी टू आ जाएगा, ये आएगा टू एक्स। टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है एक्स, स्पीड कितनी वी वन, डिस्टेंस कितनी एक्स, स्पीड कितनी वी टू या वी डी मान लीजिए, ओके वी टू। तो अब हमें पता है कि हम लोग अगर इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट टू वी वन वी टू अपॉन वी वन प्लस वी टू, दैट विल बी आवर आंसर। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बच्चों ये हमारा अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू 3060 एंड 2y इज इक्वल टू दिस मच मीटर, देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। तो हमें पता है बच्चों एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए होता है vy अपॉन vx, दैट विल बी 10 थीटा। अब vy और vx का वैल्यू हमें अगर यहां पर फाइंड आउट करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, मतलब dx अपॉन dt किया, ये आएगा बच्चों 36, ठीक है। ऐसे ही हमने अगर यहां पर dy अपॉन dt किया तो इसको कैलकुलेट करने पर आपके पास आएगा बच्चों 96 अपॉन 2, दैट विल बी 48, ओके। सो दैट इज आवर vx एंड दिस इज आवर vy। अब हम लोग इसका वैल्यू यहां रख के चेक कर सकते हैं, tan थीटा vy का वैल्यू 48, vx का वैल्यू 36, दैट विल बी 4/3 आ जाएगा। इट मींस फ्रॉम हियर वी कैन से कि थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 53 डिग्री आएगा, और हमें पता है कि यहां पर ऑप्शन है साइन में, तो साइन 53 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 4/5 होता है, ठीक है 4/5। सो फ्रॉम हियर वी कैन से 53 डिग्री, दैट विल बी साइन इनवर्स 4/5, तो साइन इनवर्स 4/5 देखते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर, साइन इनवर्स 4/5। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह है हमारा अगला प्रश्न यानी छठा प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है कि बलून विद ए मास एम इज डिसेंडिंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए, हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए, मतलब नीचे की ओर आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो उस बलून में से कितना मास हम लोग हटाएं ताकि वो ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की ओर जाने लगे। तो बच्चों अगर नीचे की ओर आ रहा है इट मीन्स एम जी का वैल्यू बायंट फोर्स से ज्यादा होगा, सो ये आएगा एम जी माइनस बी बराबर एम ए। और अब इसमें से कुछ मास हमने कम कर दिया, मान लीजिए जो मास हटाया गया है वो है m डैश, तो अब ये ऊपर की ओर जा रहा है इट मीन्स बायंट फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब आएगा b माइनस m माइनस m डैश g इज इक्वल टू m माइनस m डैश a, मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम रहा है, इसको हमने कहा लेट इट इज इक्वेशन नंबर टू। दोनों को हम लोग अगर ऐड कर दें तो उस केस में यहां पर बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एम जी से एम जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस एम डैश जी आ जाएगा, और यहां की बात करें तो एम ए प्लस एम ए टू एम ए आ जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर आएगा माइनस एम डैश ए, ओके बच्चों। तो अगर हम लोग यहां पर m डैश का वैल्यू चाह रहे हैं तो m डैश यहां से कॉमन आके और a प्लस जी नीचे चला जाएगा, इट मीन्स इट विल बी 2 ma अपॉन a प्लस जी, a प्लस जी, तो ये आएगा हमारा आंसर 2 ma अपॉन a प्लस जी, 2 ma अपॉन a प्लस जी, ओके माइनस माइनस प्लस, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा सातवां प्रश्न, और
सातवें प्रश्न में आपसे कहा गया कि व्हेन एन बुलेट इज फायर्ड एट एन टारगेट इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय हाफ आफ्टर पेनेट्रेटिंग 30 सेंटीमीटर इनटू इट द एडिशनल थिकनेस दैट विल पेनेट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ओके, कोई एक बुलेट है वो 30 सेंटीमीटर कवर करने के बाद v by 2 स्पीड पर आ जाती है। मान लीजिए उसका स्टार्टिंग वाला वेलोसिटी है v, तो कितनी और एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाएगी, मतलब वेलोसिटी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहां से लेकर यहां तक की बात कर लेते हैं। ओके, और रिटार्डेशन का वैल्यू जो है वो हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बच्चों आपको पता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as का यूज होगा। वेलोसिटी यहां पर हो गई v by 2, u का वैल्यू हमने लिया है यहां पर v, ठीक है, माइनस 2a, एस का वैल्यू कितना लिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हमको a का वैल्यू मिल जाएगा, ये आएगा 60a और ये आएगा v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाई 4, इट मीन 3v स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, तो यहां से आपको a का वैल्यू मिल रहा है, ये आएगा बच्चों 20, इट मीन्स ए का वैल्यू आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है यहां तक। तो अब देखते हैं कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुक जाएगी। अगर टोटल डिस्टेंस हमारे पास है तो हम लोग उसमें से ये वाला पार्ट हटा देंगे, रिमेनिंग पार्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। सो टोटल डिस्टेंस मान लीजिए टोटल डिस्टेंस हमने कही 30 प्लस एक्स, ठीक है, यह है x, तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से इट विल बी जीरो स्क्वायर, इट विल बी v स्क्वायर माइनस 2a, a का वैल्यू आ रहा है बच्चों v स्क्वायर अपॉन 80 और s का वैल्यू 30 प्लस x, ठीक है बच्चों। तो हम लोग इसको सॉल्व करके फाइनली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो v स्क्वायर यहां से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, वन को यहां ले आएंगे, ये आएगा 40, तो इसको सॉल्व करने पर 40 माइनस 30 इट मींस दैट विल बी 10 सेंटीमीटर। ओके, सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न, तो देखते हैं। आठवां प्रश्न है बच्चों, अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज पुल्ड अलोंग ए हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अ रोप ऑफ मास स्मॉल एम, इफ ए फोर्स पी इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप द फोर्स एग्जर्टेड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक विल बी। ओके बच्चों, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, स्मॉल एम मास की एक रोप है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है पी। ओके, अब आपसे यहां पर कहा गया है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, देन द फोर्स एग्जर्टेड बाय द रोप, रोप ने ब्लॉक पर कितना फोर्स अप्लाई किया यहां पर, तो यहां पर मान लीजिए फोर्स का वैल्यू है एफ डैश या टेंशन मान लीजिए, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एफ बी डी ड्रॉ करें तो उससे हमको आंसर मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स कितना है पी और टोटल मास कितना है एम प्लस स्मॉल एम, ठीक है, एक्सेलरेशन आ चुका है। अब इसका एफ बी डी हम लोग अगर बनाए तो इसके ऊपर फोर्स हमने लिया एफ डैश और ये मूव कर रहा है आगे की ओर, तो एम इंटू ए आ जाएगा, एम एज इट इज आ गया, ए का वैल्यू यहां से ले लो पी एम प्लस एम। ओके बच्चों, तो ये आएगा एम पी अपॉन एम प्लस एम, तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा नवा प्रश्न, और नवे प्रश्न में आपसे कहा गया है अ कॉर्ड इज यूज टू लोअर वर्टिकली ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम बाई ए डिस्टेंस स्मॉल डी विद ए कॉन्स्टेंट डाउनवर्ड एक्सलरेशन जी बाई फोर, वर्क डन बाय द कॉर्ड ऑन द ब्लॉक इज। ओके, तो हमें यहां पर कहा गया है कि एक ब्लॉक जो है वो नीचे की ओर आ रहा है डिस्टेंस डी से, और इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है जी बाई फोर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऊपर की साइड टेंशन टी है, नीचे की साइड एम जी फोर्स आएगा। ओके बच्चों, तो हम लोग
लिख सकते हैं कि mg का वैल्यू ज्यादा है t से, सो mg माइनस टी बराबर m, एक्सेलरेशन कितना है g बाई फोर, तो g बाई फोर आ जाएगा, तो टेंशन का वैल्यू ये आएगा 3mg बाई फोर, तो यहां से हमें टेंशन का वैल्यू तो मिल गया है। अब क्या निकालना है, वर्कडन, वर्कडन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कहां लग रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर की ओर, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर, एंगल 180 डिग्री, इट मीन्स वर्कडन विल बी नेगेटिव। ओके, सो टी इंटू डी कॉस 180 डिग्री, दैट विल बी वर्कडन। टी का वैल्यू है हमारे पास कितना, 3mg बाई फोर, और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिया है d बाई फोर, ओ ओ ओ वन, ओके ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिया है d, अरे बच्चों d ही है यहां पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ओके d, और cos 180 का वैल्यू माइनस वन, ओके तो ये होगा हमारा आंसर। देख लेते हैं, माइनस 3mg d बाई फोर, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है बच्चों दसवां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है कि रोड ऑफ मास स्मॉल m एंड लेंथ l इज मेड टू स्टैंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल, देन फाइंड आउट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रोड इन दिस पोजीशन। तो एक रोड है और वो वर्टिकल से 60 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। अब आपसे कहा गया है कि इस रोड की पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा यहां पर, ये लेंथ l बाई टू हो जाएगी, ठीक है, हमें चाहिए यह हाइट ताकि हम लोग एम जी एच फाइंड आउट कर सके, ठीक है, m एज इट इज जाएगा g। अब हाइट की बात कर लेते हैं, ओके बच्चों, तो ये एंगल 60 का, तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हो गया बेस, तो बेस क्या होता है, हाइपोटेनस कॉस थीटा, और कॉस 60 का वैल्यू 1/2, इट मीन्स ये आएगा l बाई फोर, तो h का वैल्यू आ गया l बाई फोर, ओके तो ये होगी पोटेंशियल एनर्जी mg l बाई फोर, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अब आएगा हमारा 11वां प्रश्न, और बच्चों इसमें आपसे कहा गया है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मासेस m1 एंड m2, इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स थ्रू ए डिस्टेंस d, बाय व्हाट डिस्टेंस वुड बी द पार्टिकल ऑफ मास m2 मूव सो एज टू कीप द सेंटर ऑफ मास ऑफ पार्टिकल्स एट द ओरिजिनल पोजिशन। मतलब हमें दूसरे वाले पार्टिकल को कितना डिस्प्लेस करना चाहिए ताकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज ना हो, इट मींस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा जीरो, ठीक है, और हमें पता है ये होता है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है बच्चों वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास जीरो होना चाहिए, तो इसको यहां ले आया, जीरो हो गया, तो अब देखो बच्चों m1 का डिस्प्लेसमेंट हमने कितना दिया d, ठीक है, और ये आएगा m2x2 बराबर जीरो, तो यहां से हमें x2 का वैल्यू मिल जाएगा माइनस m1 d1 अपॉन m2, ओके, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग बात करें तो m1 अपॉन m2 इंटू d2, m1 अपॉन m2 इंटू x2 का वैल्यू चाहिए d, ये d आएगा बच्चों सिर्फ, ओके बच्चों, तो m1 अपॉन m2 इंटू d, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg एंड 3 kg है पोजीशन वेक्टर ऑफ i+2j+k एंड -3i -2j+k रेस्पेक्टिवली, द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हैज ए पोजीशन वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। ओके बच्चों, यहां पर m1 का वैल्यू कितना है 1 kg, और ये हमारा r1, तो ये हमें प्राप्त होगा i+2j+k कैप, ठीक है, उसके बाद है
एम टू का वैल्यू 3, ये है आर टू, मतलब 3 3 9 आ जाएगा, 9 आई कैप, ये आएगा 6 जे कैप, और ये 3 के कैप, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, 3 and 4, 3 + 1, 4 आ जाएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको अप्रॉक्सीमेटली आंसर मिलना चाहिए, ये आएगा माइनस का 2i कैप आएगा, ठीक है, और ये आएगा माइनस का j कैप, और ये आएगा प्लस का k कैप, ये आना चाहिए हमारा आंसर, माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, सो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, यानी 13th क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर आपसे कहा गया है कि फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना एबीसीडी हुज सेंटर इज ओ, तो अब हमें यहां पर बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू किस किस के लिए सेम होगा, या इन चारों में से कौन सा रिलेशन ठीक होगा। तो बच्चों, हमें पता है कि स्क्वायर प्लेट होती है ना, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो उन सभी एक्सिस के लिए सेम होता है जो एक्सिस उस प्लेट के प्लेन में हो, फिर चाहे वो एक्सिस ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये वाली हो, चाहे ये वाली हो, और सेंटर से पास हो, प्लेन में तो हो और सेंटर से भी पास हो, उन सभी एक्सिस के लिए प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण समान होता है। ओके, तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि आई ए सी और आई ई एफ, आई ए सी ठीक है, और आई ई एफ ये, और दोनों ही एक्सिस इस प्लेट के प्लेन में भी है और सेंटर से भी पास कर रही है, इट मीन्स इन दोनों के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान बराबर होगा। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बच्चों 14th, और इसमें आपसे कहा गया है द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज ड्यू टू, तो बच्चों ये बात आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए कि रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल क्यों होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। ओके, सो ड्यू टू सरफेस टेंशन, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये हमारा 15वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू ए हाइट एच, ठीक है, एच हाइट तक वाटर इज अलाउड टू कम आउट, ठीक है, यहां से बाहर आ रहा है। ओके, और इसका डेप्थ दिया गया है, एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स इन टर्म्स ऑफ एच, तो बच्चों आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है आर बराबर यू टू एच अपॉन जी। बच्चों ये कुछ फॉर्मूले आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए ताकि आपका टाइम सेव हो रहे। ओके, अब देखो बच्चों, तो हमें पता है कि यहां से जो वाटर बाहर की ओर आ रहा है उसका वेलोसिटी होगा 2gd का रूट, ठीक है, और हाइट, ये हाइट कौन सी हाइट होती है बच्चों, ये हाइट ये वाली हाइट होती है, ये है ना प्रोजेक्टाइल मोशन की ये वाली हाइट है h। तो अब देखो बच्चों, यहां से हमको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, u का वैल्यू 2gd और इसका अंडर रूट, और ये 2, एच का वैल्यू कैपिटल एच माइनस डी, कैपिटल एच माइनस डी अपॉन जी का रूट। तो अब देखो बच्चों, जी से जी कैंसिल हो रहा है, 2 बाहर आ जाएगा। ओके, तो 2 बाहर आ गया, डी एच माइनस डी का रूट। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन से थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है बच्चों 16वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू, इनमें से किसके प्रोपोर्शनल होता है, एक्स यहां पर क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो हमको पता है बच्चों टोटल एनर्जी यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी ये होती है हाफ के ए स्क्वायर, और यहां पर के कॉन्स्टेंट है, ए है एम्पलीट्यूड वो भी कॉन्स्टेंट है, तो सब कुछ यहां पर कॉन्स्टेंट है, इट मीन्स
टोटल एनर्जी जो है वो एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है. ओके, सो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. और अगला प्रश्न है बच्चों 17th क्वेश्चन, 17वां प्रश्न. इसके अंदर आपसे कहा गया है टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कॉन्स्टेंट के एंड टू के आर कनेक्टेड टू ए मास एज शॉन बिलो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास विल बी. तो हमको पता है कि इस केस में अगर हम लोग इस ब्लॉक को थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस करें तो ये वाली स्प्रिंग भी इसको इसी साइड के अंदर धकेल रही होगी और ये वाली स्प्रिंग भी इसको इसी साइड के अंदर खींच रही होगी. सही बात है, दोनों एक ही साइड में, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है इस प्रकार का. ओके, समांतर क्रम संयोजन. तो हमें पता है समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो k नेट का वैल्यू क्या होता है, k1 प्लस k2 मतलब 2k प्लस k यानी 3k आ जाएगा. और टाइम पीरियड t बराबर 2π√m/k, m k का वैल्यू 3k, ठीक है, और इसका रूट. तो इसका अगर उल्टा कर दें तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, तो 3k ऊपर आ जाएगा. तो हम लोग देख पाएंगे कि थर्ड ऑप्शन सही होगा. ओके, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. और अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न. ओके, अठारहवें प्रश्न में आपसे कहा गया कि बीकर इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एट 4°C, इट विल ओवरफ्लो इफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ बीकर इज नेग्लिजिबल. ठीक है, यहां पर आपसे कहा गया कि बीकर के अंदर वाटर है जिसका टेम्परेचर कितना है 4°C. तो हमको पता है बच्चों 4°C पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है ना, और अगर डेंसिटी मैक्सिमम होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा. तो अगर आप तापमान को 4 से कम कर रहे हो या 4°C से ज्यादा कर रहे हो तो दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, डेंसिटी तो कम हो जाएगी और आयतन बढ़ जाएगा. इसका मतलब है कि पानी बाहर बहना स्टार्ट हो जाएगा. तो हीटेड अबव 4°C या कोल्ड बिलो 4°C, दोनों ही सिचुएशन ठीक है. इट मीन्स तीसरा ऑप्शन सही आंसर होगा. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर. और यह हमारा 19वां प्रश्न. और इसके अंदर आपसे कहा गया कि गामा इज द रेशियो ऑफ CP/CV, ठीक है, आर इज द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, देन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यानी सीवी का वैल्यू क्या होगा. तो बच्चों CP-CV क्या होता है, आर. तो अगर हम लोग यहां पर सीवी ले ले कॉमन, ठीक है, तो ये CP/CV बन जाएगा, -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा आर, ये बन गया गामा. हमें क्या चाहिए, सीवी चाहिए, चलो सीवी, ये आ जाएगा आर, ये बन गया गामा, है ना. तो गामा -1 ये आंसर आ गया हमारा. तो आर अपॉन गामा -1 फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर. बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 20वां प्रश्न. और 20वें प्रश्न में आपसे कहा गया है इन द एक्सप्रेशन फॉर बॉयल्स लॉ The product PV has dimension of. तो बच्चों हमें यहाँ पर इस PV की dimension निकालनी है. तो बच्चों PV क्या है, यहाँ पर pressure है, ये होता है ML-1 T-2, और V क्या है, volume L3. Solve किया तो ML2 आ जाएगा, T-2, it means ये होगी ऊर्जा, energy. So third option will be right answer. Okay बच्चों, ओके बच्चों, इसके बाद आता हमारा 21वां प्रश्न. और इसके अंदर आपसे क्या आ गया है कि ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल PQRSP प्रोसेस, द नेटवर्क डन बाय द सिस्टम विल बी. अब हमको यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज. ओके, तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर वर्क डन आएगा नेगेटिव में, पहली बात ये कि सेकेंड या फोर्थ में से कोई आंसर होगा. अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके एरिया की. तो एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी आ रही है 200 cc, ठीक है, ब्रेड्थ ये वाली लेंथ 200 में से गया 100, यानी 100 किलो पास्कल, किलो को चेंज कर दिया, 10³ आ जाएगा पास्कल, ठीक है. तो ये होगा हमारा वर्क डन और माइनस में होगा. अब बच्चों सेंटीमीटर क्यूब को आप लोग चेंज कर सकते हो, सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया
और इसका क्यूब किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 10 की घात माइनस 6, और ये आ रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ओके। तो इसको सॉल्व करने पर -20 जूल आपको मिल जाएगा, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ओके बच्चों। अब इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, यानी 22वां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है कि पॉइंट मास एम इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर एंड मास कैपिटल एम एट ए डिस्टेंस ऑफ आर बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाय द सेल ऑन दिस पॉइंट विल बी। तो बच्चों यहां पर है एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है और सेंटर से आर बाई टू डिस्टेंस पर एक मास दिया हुआ है। अब इस मास पर इस शेल की वजह से कितना फोर्स होगा, तो बच्चों हमको पता है फोर्स होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एम इंटू आई, और शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, जीरो होती है। सो एम इंटू जीरो, तो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया, जीरो। सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद आता है हमारा 23वां प्रश्न, और 23वें प्रश्न में आपसे कहा गया है टू बॉडीज ऑफ मासेज एम एंड फोर एम आर प्लस एट ए डिस्टेंस आर, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो। ग्रेविटेशनल फील्ड जहां पर जीरो हो वहां पर हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। तो पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू जीरो कहाँ होगा। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली भी याद होना चाहिए, और आई होप आपको याद होगा भी, ओके। तो अब देखो, मान लीजिए कि यहां पर मास m है और ये मास है 4m, तो m मास से कितने डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड का वैल्यू जीरो होगा। मान लीजिए x है ना, तो x का वैल्यू हम लोग यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं, m का रूट एज इट इज, m का रूट एज इट इज, m टू 4m, 4m का रूट और 2m का रूट, ठीक है बच्चों। तो m का रूट तो यहां पर कॉमन अगर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा r, 2+1, 3, r बाई 3, ये तो आ गया x का वैल्यू। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें चाहिए पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है माइनस gm अपॉन r, ओके। तो इसका पोटेंशियल इस पॉइंट पर होगा माइनस gm अपॉन r, r का वैल्यू r बाई 3, इसके लिए होगा 2r बाई 3, ठीक है, ये आएगा माइनस g4m अपॉन 2R by 3, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और ये R, ठीक है ना, तो 6 और एक ये 3 2 6 आ जाएगा, ओके ओके, और 3 यहां से भी आएगा, सो 6+3 यानी 9, इट मीन्स इट विल बी माइनस का 9 GM अपॉन R आ जाएगा, ओके। सो माइनस 9 GM अपॉन R, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न, और 24वें प्रश्न में आपसे कहा गया है द अर्थ ही मूव्स इन ए एलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एज वन ऑफ द फोकाई एज शोन इन द फिगर, इट्स स्पीड ऑफ मोशन विल बी मैक्सिमम एट द पॉइंट, कौन से वाले पॉइंट पर स्पीड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। तो बच्चों हमको पता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है उस प्लेनेट का जिसकी हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। सो एम वी आर ये होगा कांस्टेंट, मास तो है ही कांस्टेंट, तो जाहिर सी बात है जहां पर डिस्टेंस सबसे कम होगी वहां पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो अर्थ और सन की डिस्टेंस सबसे कम कहाँ है, पॉइंट ए पर, तो यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, ओके। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद आता है हमारा 25वां प्रश्न, और 25वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 8 स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस आर कंबाइंस एंड फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप, इफ द चार्ज ऑन ईच स्मॉल ड्रॉप इज क्यू देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप विल बी। तो बड़ी वाली ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों ये होता है के क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो चार्ज की बात कर लेते हैं पहले, एक ड्रॉप पर चार्ज कितना है स्मॉल क्यू, तो एन ड्रॉप्स पर निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कितनी ड्रॉप है 8,
यानी 8 इंटू क्यू, ये तो आ गया चार्ज। प्रॉब्लम है आर का, तो बच्चों आपको पता है डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्मॉल आर एन रेस्ट 1/3 इज इक्वल टू कैपिटल आर। जब बहुत सारी ड्रॉप्स को मर्ज किया जाता है तो बड़ी ड्रॉप का रेडियस इस फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करते हैं वॉल्यूम को बराबर करके, ठीक है। तो यहां पर एन का वैल्यू कितना है 8, इसकी पावर 1/3, ठीक है। तो ये आ रहा है 2R, ठीक है, तो R का वैल्यू 2R। तो अब देखो बच्चों ये हो गया 4 बार कैंसिल, K का वैल्यू 1/4πε0 रख देंगे और ये आ रहा है 4Q, नीचे आ रहा है R, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो Q/πε0 × R, थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों, उसके बाद आता है हमारा 25वां के बाद 26वां प्रश्न, और 26वां प्रश्न है टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया ए आर सेपरेटेड बाय टू डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक्स एज शोन इन द फिगर द नेट कैपेसिटेंस इज। अब बच्चों इस प्रश्न में हम लोग कई बार कंफ्यूजन में आ सकता है, कैसे, क्योंकि हम लोग इस पैरेलल के ऊपर ध्यान ओके बच्चों इस पैरेलल वर्ड से हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के सीरीज में है, पैरेलल में नहीं है। ओके, तो हम लोग यहां पर सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि नेट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बच्चों हमको पता है सीरीज के लिए 1/C net ये होता है 1/C1 + 1/C2, ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यूज। ये आएगा ε0 × A/D, डिस्टेंस कितना D/2, और के कितना है K1 का वैल्यू, चलो इसको बाद में रख देंगे। ये आएगा ε0 × A/D/2, ठीक है, और ये K2 आ जाएगा, ये आ रहा है 1/C net। ओके बच्चों, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पर ε0 × A/D को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आएगा 2ε0 × A/D आ जाएगा ना, और यहां पर रहेगा 1/K1 + 1/K2, दैट इज 1/C net। ओके, तो 1/K1 + 1/K2 का वैल्यू कितना आएगा 1, K1 का वैल्यू 1, K2 का वैल्यू 2, 1/2 + 1 यानी 3/2, तो 3/2 आएगा ये, तो ये 3/2 को इसको एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं, तो ये आएगा 1/2ε0 × A/D, और 3/2 ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको मैं उल्टा लिख रहा हूं, मतलब 3 को नीचे ले आता हूं, मैं लिख दें ऐसा, ठीक है, तो ये आएगा 2/3। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि डायरेक्ट 1 से 1 कैंसिल होके यहां पर हमको सी नेट का वैल्यू मिल रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ओके बच्चों, तो 2 × 2 = 4 बन जाएगा, नीचे आएगा 3, इट मींस 4/3ε0 A/D, ये आएगा हमारा आंसर। देखते हैं ऑप्शंस 26। ओके, सो 4/3ε0 × A/D, 4/3 ये आ रहा है फर्स्ट ऑप्शन, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 27वां प्रश्न, और 27वें प्रश्न में आपसे कहा गया है द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। ओके, ये तो सिंपल सा है, पैरेलल में आपसे कहा गया है कि कनेक्ट किया गया है, तो पैरेलल में तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है, C1 + C2 होता है C net। ओके, तो C1 + C2 फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न यानी 28वां प्रश्न,
और 28वें प्रश्न में आपसे कहा गया कि थ्री इक्वल कैपेसिटर ईच विद कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी विल बी। ओके बच्चों, तो ए और बी, ये पॉइंट ए है तो ये भी ए होगा और ये पॉइंट भी क्या होगा, ए, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कोई भी कंपोनेंट नहीं है। ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बी। तो अब देखो बच्चों, ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये पॉइंट बी, तो ए और बी के बीच, ये पॉइंट ए है ना, ए और बी के बीच कौन आ रहा है, सी, फिर बी और ए के बीच सी, फिर ए और बी के बीच सी। तो यहां पर अब हमें ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस चाहिए, तो यहां पर एक बैटरी जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखो ये तीनों पैरेलल में, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जब होते हैं तो सी प्लस सी प्लस सी, मतलब क्या आ जाएगा, थ्री सी। ओके, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा 29वां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज, ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। तो बच्चों हमको यहां पर दिख रहा है कि ये वीट स्टोन ब्रिज है और बैलेंस भी है, 3/4 बराबर 6/8 को किया सॉल्व, 3/4 यहां भी, इट मीन इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो 3 और 6 सीरीज में हो गए, तो 3 × 6/3+6, तो यहां से आपको ऊपर वाले का रिजल्टेंट प्राप्त हुआ 9, ये आएगा 3 यानी 2 आ जाएगा ये, ठीक है, 3 × 3 = 9, ठीक है। और ये 4 और 8, सो 4 × 8/4+8 कर देंगे, तो 4 × 8 एज इट इज लिख दो, इसको लिख दो 12, ये गया 3 बार यानी 8/3 आ रहा है। अब 8/3 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो दोनों को 2+8/3 कर दो, तो 6+8 यानी 14/3 आ जाएगा। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा 30वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस फॉर द गिवन सर्किट। सिंपल सा प्रश्न है, जाहिर सी बात है कि ये सर्किट यहां पर कंप्लीट हो रहा है, ये सर्किट यहां पर कंप्लीट हो रहा है, मतलब ये वाला करंट यूं जाएगा, ये वाला करंट यूं जाएगा, और यहां से कोई करंट पास नहीं होगा। और वैसे भी अगर हम लोग लॉजिकली सोचे, मान लीजिए कुछ देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि करंट यहां से यहां पर फ्लो कर रहा है, मान लेते हैं, तो बच्चों ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अगर यहां से यहां फ्लो कर रहा है, इसका मतलब है कि ए होगा हायर पोटेंशियल पर और बी होगा लोअर पर, लेकिन जितना करंट गया उसको वापस यहां पर भी तो आना पड़ेगा ना भाई। यहां से मान लो करंट गया, कुछ पार्ट यहां चला गया, कुछ पार्ट यहां, अब जो गया है उसको वापस लौटना भी तो है यहां पर, तो भाई अगर ए से बी तक करंट फ्लो हुआ तो बी से ए तक वापस करंट फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर लोअर से हायर पोटेंशियल पर करंट नहीं जाएगा। तो भाई सीधी सी बात यह है, सर्किट कंप्लीट हो रहे हैं और ये सर्किट कंप्लीशन में कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, तो यहां से करंट नहीं फ्लो होगा, इट मीन्स 0 करंट विल बी देयर, सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसके बाद आता है 31st क्वेश्चन, इसमें आपसे कहा गया था वोल्टेज वी एंड करंट आई ग्राफ फॉर ए कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2 आर शोन इन द फिगर, द रिलेशन बिटवीन T1 एंड T2। तो बच्चों हमको पता है कि वी और आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, आर, ठीक है, और हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर इस ग्राफ का स्लोप देखें, रेजिस्टेंस प्राप्त होगा आर, और रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा है यानी इस वाले का, और जिसका स्लोप ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा है, उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, इट मीन्स T1 ज्यादा होगा, T2 कम होगा, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और यह है हमारा 32वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ड्रॉप पावर पी नॉट एट वोल्टेज वी नॉट, इफ द वोल्टेज इज वी इट ड्रॉज ए पावर पी, देन
तो इनमें से कौन सा वाला रिलेशन सही होगा? तो बच्चों हमको पता है कि जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस तो फिक्स रहेगा, चाहे उसको वोल्टेज कितना भी दो, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं रेजिस्टेंस बच्चों पी क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो रेजिस्टेंस ये आएगा वी स्क्वायर अपॉन पी। अब देखो सिचुएशन वन की बात कर लेते हैं, वोल्टेज वी नॉट, पावर पी नॉट, और वोल्टेज चेंज करने के बाद भी वोल्टेज क्या किया हमने, वी, पावर पी आ रहा है, ठीक है। तो आर तो चेंज नहीं होगा, इट मीन्स वी स्क्वायर अपॉन पी का जो रेशियो है वो सेम रहेगा। तो यहां से हम लोग अगर सॉल्व करें तो पी का वैल्यू आ रहा है, कैसे आएगा, पी को यहां ले आओ, इसको यहां ले जाओ, ओके। सो वी स्क्वायर अपॉन वी नॉट स्क्वायर इंटू पी नॉट, ओके। सो वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर इंटू पी नॉट, ये आ जाएगा पी। कौन सा वाला ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है, सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 33वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है कि द मैग्नेटिक फील्ड डी बी ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल एट ए डिस्टेंस आर एंड एलिमेंट कैरियंग करंट आई इज, ठीक है। तो बच्चों हमको पता है कि ये बायो सावर्ट लॉ की बात कर रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूले उसी के लिए अप्लाई हो पाएंगे। तो हम लोगों को पता है कि बायो सावर्ट लॉ के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है डी बी ये होता है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट डी एल क्रॉस आर, ठीक है, 4 पाई, और नीचे आता है बच्चों आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं ना, ये वेक्टर फॉर्म में नीचे क्या आएगा, आर क्यूब आता है, ओके। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, ओके, आई और आएगा आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है बच्चों 34वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया कि पार्ट ऑफ ए लॉन्ग वायर कैरिंग ए करंट आई इज बेंड इनटू ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एज शोन इन द फिगर, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज, तो इस सर्कल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो बच्चों पहले तो हम लोग इस सर्किल के कारण फील्ड की बात कर लेते हैं, फील्ड कहां आएगा बच्चों, बाहर की ओर, और इस वायर का फील्ड करंट इधर की ओर, तो इसका भी फील्ड नीचे से ऊपर बाहर की ओर, मतलब दोनों का फील्ड का डायरेक्शन तो सेम रहेगा। अब बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की, तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पर फील्ड क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और इस रिंग के कारण फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। तो अगर हम लोग यहां से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ले कॉमन, तो ये आएगा 1 और यहां पर आ जाएगा पाई, ठीक है। तो 1 प्लस पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, 1 प्लस पाई, इट मीन्स थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न 35th क्वेश्चन, और इसमें आपसे कहा गया है कि 3 आइडेंटिकल लॉन्ग सोलेनॉइड्स पी क्यू एंड आर कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन द फिगर, इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ क्यू इज 2 टेस्ला, व्हाट विल बी द फील्ड एट द सेंटर ऑफ पी, पी के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा टी की टर्म्स में, ओके ओके। तो यहां पर हमें पता है करंट, मान लेते हैं आई है, तो यहां पर करंट आई बाई टू जाएगा और यहां पर भी आई बाई टू जाएगा, और हमें पता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट एन आई, तो बी प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है आई, सही है। तो करंट यहां पर आई बाई टू है, यहां पर आई है, मतलब करंट डबल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड भी डबल हो जाएगा, ठीक है। सो 2 का डबल किया क्या आएगा, 4 टेस्ला, सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न हमारा 36वां प्रश्न, और बच्चों अब यहां पर आपके पास कुछ ऑप्शंस भी हैं, कैसे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर इन विच यू कैन चूज
एनी 10, इनमें से कोई भी 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर 15 के 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो 36 की बात कर लेते हैं। एन आयरन रॉड ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक मोमेंट एम इज बेंट इनटू ए फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्किल, नाउ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट विल बी। तो बच्चों जब ये रोड स्ट्रेट थी तब हमको पता है कैपिटल एम कितना आएगा, मान लीजिए लेंथ कितनी है एल, ठीक है ना, स्मॉल एम इंटू एल, ठीक है ना। अच्छा जी, और जब इसको हमने मोड़ दिया तो हमें पता है कि अब इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो गई, ये वाली हो गई, यानी 2R हो गई, ठीक है। तो अब इस केस में एम डैश का वैल्यू क्या होगा, एम इंटू 2R। यहां पर स्मॉल एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। अच्छा जी 2R, तो R का प्रॉब्लम है हमारे पास। तो बच्चों ये लेंथ कितनी है L, इट मींस रेडियस R है, तो पाई R ही तो हुआ, ये पाई R बराबर L, तो R का वैल्यू कितना आ रहा है, L अपॉन पाई, ठीक है। तो यहां से M डैश का वैल्यू मिल रहा है कितना, 2 R का वैल्यू L अपॉन पाई। तो अब देखो बच्चों M इंटू L, ये तो कैपिटल M हो गया, तो M डैश का वैल्यू आ रहा है 2 अपॉन पाई और कैपिटल M, M डैश का वैल्यू 2 अपॉन पाई कैपिटल M, सो 2 अपॉन पाई कैपिटल M, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और बच्चों ये हमारा 37वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है लॉरेंज फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो ये तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है ना बच्चों, क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो अगर इसमें हम लोग क्यू को ले ले कॉमन तो लॉरेंज फोर्स मिल जाएगा, तो क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, ये गलत है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 38वें प्रश्न की ओर। और इसमें आपसे कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर 2t प्लस 4t स्क्वायर बाय t इज टाइम इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r एंड रेजिस्टेंस r इफ ऑल द यूनिट्स आर इन SI, द इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोस थ्रू द सर्कुलर वायर ड्यूरिंग टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर 2 सेकंड के बीच कितना चार्ज फ्लो होगा। तो बच्चों इसका तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, क्या होता है, जो चार्ज फ्लो करता है वो होता है डेल्टा फाई अपॉन आर। डेल्टा फाई की बात करें तो फाई टू माइनस फाई वन अपॉन आर। ओके प्रॉब्लम है फाई का, ठीक है, तो देखते हैं फाई क्या होता है, बी इंटू ए। तो फाई टू की बात कर लेते हैं पहले, बी टू एरिया जो है वो तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो B2 की बात करें मतलब 2 सेकंड के ऊपर फाई टू, तो B2 की बात कर ले ये आएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर, और एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा है 4, ये आ रहा है 20 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। देख लो एक बार और, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, 4 जा 16 प्लस 4 20 आ गया, ठीक है ना। फाइव वन की बात करें तो फाइव वन कितना आएगा, टी का बी वन इंटू ए, और बी वन मतलब टी बराबर 0 पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, यहाँ 0 मतलब 0, तो फ्लक्स भी क्या हो गया 0 हो गया। तो फाइव टू का वैल्यू है हमारे पास 20 पाई आर स्क्वायर, और फाइव वन कितना है 0, तो ये आ रहा है बच्चों 20 पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर। सो 20 पाई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर, सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बच्चों 39वां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी शोन इन द फिगर इज। तो यहां पर हमको वी आरएमएस निकालना है। तो बच्चों सिंपल सी बात है, देखिएगा जनरली
वी आर एम एस का वैल्यू आपसे कहा जाता है जीरो से लेकर टी टाइम तक के लिए, ठीक है ना, यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है उसके लिए आपको वी आर एम एस निकालना होता है। तो ये डिफॉल्ट है कि अगर आपको टाइम नहीं दिया हो इट मीन्स आपको जीरो से लेकर टी तक का टाइम लेना होता है। तो अब देखो बच्चों, जीरो से लेकर टी बाई टू तक वोल्टेज क्या है, कॉन्स्टेंट, कितना है वी नॉट, और टी बाई टू से लेकर टी तक वोल्टेज कॉन्स्टेंट कितना है जीरो, ठीक है। तो दोनों ही सेम टाइम के लिए वी नॉट और जीरो आ रहा है, टी बाई टू टाइम ये, टी बाई टू टाइम ये। तो यहां पर हम लोग वी आर एम एस निकाल रहे हैं, आर एम एस रूट मीन स्क्वायर। सबसे पहले क्या करें, स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर जीरो स्क्वायर, ठीक है। अब मीन, मीन मतलब टू से करते डिवाइड, उसके बाद स्क्वायर रूट यानी रूट निकालना है, ठीक है। तो ये होगा वी आर एम एस। तो क्या आएगा बच्चों, वी नॉट अपॉन अंडर रूट टू। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 40वां प्रश्न। 40वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड ए फोटोन हैव सेम एनर्जी e, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम इज c, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं पहले, लैम्डा होता है h अपॉन p और p क्या होता है 2m e का रूट, क्योंकि एनर्जी आपको दी गई है। अब बात कर लेते हैं फोटोन की, फोटोन के लिए E बराबर एच न्यू होता है, ठीक है, इसको लिख दो एच सी अपॉन लैम्बडा। इसको हमने कहा लैम्बडा वन और यहां से आपको प्राप्त होगा लैम्बडा टू, ये आएगा बच्चों एच सी अपॉन ई। अब हमें इन दोनों का चाहिए रेशियो, तो लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू आ जाएगा, कितना आएगा एच अपॉन टू एम ई डिवाइडेड बाई एच सी अपॉन ई, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो एच से एच कैंसिल हो गया, ई एक ई यहां पर रूट आ जाएगा, तो ये आ रहा है वन अपॉन सी, ये आ रहा है टू एम अपॉन ई की पावर वन बाई टू, ठीक है। तो टू एम अपॉन ई की पावर वन बाई टू और वन अपॉन सी, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बच्चों, फोर्थ वाला, ठीक है, देख लीजिए। और ओके ओके बच्चों, एक मिनट एक मिनट बच्चों, टू एम नीचे आएगा ना, ये आएगा ऊपर, सॉरी, मतलब ये पावर हम लोग कर दे माइनस में। तो अब इसको सॉल्व करके आएगा वन अपॉन सी और ई अपॉन टू एम की पावर वन बाई टू। अब ठीक है बच्चों, ठीक है, रूट ई ऊपर आएगा, रूट टू एम नीचे आएगा, ओके। सो ये नहीं आएगा, ई अपॉन टू एम, ई अपॉन टू एम की पावर वन बाई टू वन अपॉन सी, ओके ओके ओके। तो बच्चों याद रखिए कैलकुलेशन में इस प्रकार के मिस्टेक से आपको बचना है, ओके ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 41वां प्रश्न। और 41वें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि टू पार्टिकल्स मूव राइट एंगल टू ईच अदर, the d broglie wavelengths are lambda 1 and lambda 2 respectively, the particles suffer perfectly in elastic collision, it means dono collision ke baad chipak jate hain, theek hai, the d broglie wavelength lambda of the final particle is given by, to bachcho humko pata hai ki d broglie wavelength lambda hota hai h upon p, theek hai, aur hame pata hai ki kisi bhi collision mein momentum conserve rehta hai, तो एक पार्टिकल इधर से आ रहा है, दूसरा पार्टिकल इधर से आ रहा है, ठीक है, और इसके लिए लैम्बडा वन वेवलेंथ मान लेते हैं, इसके लिए लैम्बडा टू मान लिया, इसका मोमेंटम है पी वन, इसका कितना है पी टू, और फाइनली दोनों का मोमेंटम हमने मान लिया पी, ठीक है यहां तक तो ओके बच्चों। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जा रहा है मान लो x एक्सिस की ओर और ये जा रहा है y एक्सिस की ओर, ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि कोलिजन से पहले मोमेंटम क्या था p1 i कैप और p2 j कैप, ठीक है।
तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम ये था, और कोलिजन के बाद कितना हो गया पी, तो हम लोग लिख सकते हैं ये आएगा वेक्टर पी। ये हो गया कोलिजन से पहले का मोमेंटम, ये हो गया कोलिजन के बाद का मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो अब अगर हम लोग बात करें पी के मैग्नीट्यूड की, तो ये आएगा पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर का रूट, और रूट को हटाने के लिए हम लोग कर सकते हैं स्क्वायर, ठीक है यहाँ तक। अब हमें पता है कि हम लोग पी की जगह रख सकते हैं एच अपॉन लैम्ब्डा, तो एच तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा वन अपॉन लैम्ब्डा स्क्वायर बराबर वन अपॉन लैम्ब्डा वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन लैम्ब्डा टू का स्क्वायर, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और ये है हमारा 42वां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी के माइनस के बराबर होता है, ओके। सो दोनों का अगर रेशियो की बात करें कितना आएगा, रेशियो माइनस वन आ जाएगा, सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है हमारा 43 क्वेश्चन, और इसके अंदर आपसे कहा गया इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट वाई कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इनपुट ए एंड बी। तो बच्चों हम लोगों को अगर इस प्रकार के प्रश्न हल करने हैं, तो देखिए यहां से आए, यहां पर ए जा रहा है, ये पहुंच गया ए, यहां पर ए आया और इसका बार हो गया, तो यहां पर आ रहा है ए बार, यहां पर आ जाओ बी जा रहा है, बी का नॉट लग गया मतलब बी बार हो गया, और ये बी जा रहा है, ये बी आ गया, ठीक है जी। अब ए और बी का एंड गेट है ये, तो ए बी का बार आ गया, ए बार बी आ गया एंड गेट के कारण। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, और गेट हो रहा है, तो ये यहां से आएगा, ये यहां से आएगा, तो यहां पर वाई का वैल्यू क्या आएगा, ए बी बार और इन दोनों का और, यानी ए बार बी, ठीक है। तो वाई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी क्या आएगा, ए डॉट भी चलो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, ए बी बार प्लस ए बार बी का प्लस, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और बच्चों अगला प्रश्न है 44, यहां पर कहा गया है टू कोहरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटीज आई एंड फोर आई आर सुपरपोज द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज इन द रिजल्टिंग बीम विल बी। तो बच्चों को पता है कि आई मैक्स ये होता है रूट ऑफ आई वन प्लस रूट ऑफ आई टू का स्क्वायर, और आई मिनिमम की बात करें तो ये होता है रूट आई वन माइनस रूट आई टू का स्क्वायर, ठीक है। तो बस यहाँ पर वैल्यूज रखनी है, सॉल्व करना है, तो ये आई का रूट आ जाएगा, ये आएगा फोर आई का रूट मतलब टू आई, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, दो और एक तीन, और तीन का स्क्वायर नौ, यानी नाइन आई आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ सॉल्व करें तो ये सेम आएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, मतलब टू में से वन गया तो वन, और इसका स्क्वायर करना है यानी आई प्राप्त हो जाएगा। तो नाइन आई और आई मैक्सिमम एंड मिनिमम, सो थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है बच्चों 45वां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है कि स्ट्रिंग इज प्रोड्यूसिंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हुज इक्वेशन इज दिस वन वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर टी इज इन सेकंड इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग इज दिस मच, यानी म्यू का वैल्यू आपको दिया गया है, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी। तो बच्चों हमको पता है कि वी क्या होता है, रूट टी अपॉन म्यू, हमें क्या चाहिए, टी चाहिए, तो टी चाहिए तो स्क्वायर करके और म्यू को यहां ले आओ। अब म्यू तो है हमारे पास, प्रॉब्लम किसका रह गया, वी का, तो वी होता है बच्चों ओमेगा अपॉन के। अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे, टी के साथ कौन आता है बच्चों, ओमेगा, एक्स के साथ के, यानी ओमेगा का वैल्यू 30, के का वैल्यू
वन, बी का वैल्यू 30 आ गया। सो 30 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ, और म्यू का वैल्यू है हमारे पास कितना है, 1.3 इंटू 10^-4। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने पर आपको 0.117 मिल जाएगा। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया कि साउंड सोर्स ऑफ साउंड इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज ऑफ 3 times द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज वी, देन द स्पीड ऑफ सोर्स विल बी। तो बच्चों यहाँ पर आपसे कहा गया है ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो हमको पता है कि एफ डैश ये होता है एफ वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। तो वी नॉट तो यहाँ पर है 0, और टुवर्ड्स जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की ओर जा रहा है, मतलब फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी, तो यहाँ पर माइनस का साइन यूज करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो अब देखो इन्होंने क्या कहा, ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी की 3 times है ये एफ डैश, तो हम लोग इसको कर देते हैं 3f, ये f, वेलोसिटी ऑफ साउंड v, नीचे आ जाएगा v, माइनस का साइन लेंगे वी एस, ठीक है, f से f कैंसिल, इसको सॉल्व करने पर हमको वी एस का वैल्यू मिल जाएगा, ये आएगा 3v-3vs बराबर v आ जाएगा ना, ठीक है, ओके, हमें चाहिए वी एस, तो ये आएगा 2v/3, ठीक है, 2v/3 दैट विल बी वी एस, सो 2v/3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस किया 3 आ गया, ठीक है, सो 2v/3 फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न जो कि है 47वां प्रश्न, और इसमें आपसे कहा गया है कि ओके मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर इनटू द ग्लास ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव इज। तो बच्चों हमको पता है कि ये वाली इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड, ये कहाँ पर है, एयर में, हवा में, और ये ग्लास में है क्या, हाँ ठीक है ग्लास में है। तो बच्चों हमको पता है कि वी बराबर होता है एफ इंटू लैम्बडा, ठीक है, तो हवा के लिए हमने कहा वेलोसिटी है वी वन, फ्रिक्वेंसी तो चेंज होती नहीं है, लैम्बडा वन है वेवलेंथ, ग्लास के लिए वेलोसिटी वी टू, फ्रिक्वेंसी चेंज होगी नहीं, वेवलेंथ लैम्बडा टू। अब क्या कहा गया है, इंसिडेंट और रिफ्रेक्टेड की वेवलेंथ का रेशियो निकालना है, तो क्या करें, डिवाइड कर दें एफ से एफ कैंसिल, हमें चाहिए लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू, ये आ रहा है वी वन अपॉन वी टू। अब देखिएगा बच्चों वी वन अपॉन वी टू, ठीक है, प्रकाश की बात कर रहे हैं, तो वायु में हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश का जो वेग है वो होता है सी के बराबर, मान लेते हैं लगभग वैक्यूम में और एयर में लगभग सेम मान लेते हैं, ये आएगा वी टू। तो अब देखो बच्चों सी अपॉन वी टू स्पीड्स का जो रेशियो होता है वही तो होता है म्यू, अपवर्तनांक की यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ही यही है, ओके, तो सी अपॉन वी टू ये आ जाएगा म्यू, ठीक है, तो हमें चाहिए लैम्बडा वन अपॉन लैम्बडा टू, यानी म्यू अपॉन वन आ जाएगा, यानी म्यू इज टू वन, सो म्यू इज टू वन, यानी थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों अब इसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न यानी 48 क्वेश्चन, और इसके अंदर आपसे कहा गया कि टू सिमिलर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज आर कंबाइंड इन द 3 different ways, ठीक है, एडजॉइनिंग फिगर, द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ इन 3 cases विल बी, ठीक है। तो बच्चों हमको पता है कि अगर हम लोग इस लेंस को 2 parts में यहाँ पर काट दें, मान लीजिए इसका इस वाले पार्ट का फोकल लेंथ है एफ, इस वाले पार्ट का फोकल लेंथ एफ मान लेते हैं, तो हमें पता है कि एफ नेट ये होता है 1/f1 + 1/f2, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से एफ नेट का वैल्यू 1/f + 1/f यानी 2/f, ठीक है,
तो f नेट का वैल्यू f बाई टू मिल जाएगा अगर इसके लिए हमने एफ एफ फोकल लेंथ लिया है तो। अब देखो बच्चों, हमको पता है कि ये कॉन्वेक्स पार्ट है हाफ, और हाफ है प्लेनर पार्ट। अब चाहे हम लोग इसको इस फॉर्म में रखें, चाहे इनको इस फॉर्म में रखें, चाहे इनको इस फॉर्म में रखें, हर एक केस में आपको पता है कि यहां पर फोकल लेंथ एफ है, इसकी भी फोकल लेंथ एफ, इसकी एफ, इसकी एफ, सही है। कहीं पर भी माइनस एफ नहीं है, क्योंकि कॉनकेव वाला पार्ट हमारे पास है ही नहीं, कॉन्वेक्स वाले पार्ट है हमारे पास, तो कॉन्वेक्स और प्लेन। अच्छा जी, तो अब देखो यहां पर भी एफ, ये भी एफ, इसका मतलब यहां पर भी हमें यही फॉर्मूला यूज करके फाइनली ये आंसर हमको मिल जाएगा, और इस केस के लिए भी वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन एफ यानी एफ बाई टू ही प्राप्त होगा। तो चाहे कॉम्बिनेशन ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, तीनों ही केस में एक ही फॉर्मूला यूज करना है, और तीनों ही केस में एफ का वैल्यू एफ एफ वन और एफ टू का वैल्यू सेम आएगा और पॉजिटिव ही आएगा। तो इनको सॉल्व करने पर हमेशा एफ बाई टू प्राप्त होगा तीनों केसेस के लिए। इट मीन्स तीनों केसेस में जो फोकल लेंथ है उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, वन इज टू वन इज टू वन। सो सेकेंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। अगर कोई यहां पर कॉनकेव होता ना, तो हम लोग उसको माइनस एफ लेकर चलते, वो एक फिर अलग केस बन जाता। ओके, तो अभी के लिए सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 49, और यहां पर आपसे कहा गया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। इमेज की पोजिशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो हमको पता है कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन f होता है। तो पहले प्रॉब्लम है f का, तो f ये होता है 1 अपॉन p पावर, ठीक है ना, तो ये आएगा 1 अपॉन 5, लेकिन यहाँ पर हमको सेंटीमीटर के अंदर चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ से ये आएगा 20 सेंटीमीटर f का वैल्यू। तो हमें चाहिए v, तो 1 अपॉन, चलिए इसको पहले एक बार हम लोग लिख लेते हैं। u का वैल्यू कितना है जी, 10, u माइनस में ही लिया जाएगा, ठीक है, और f, f का वैल्यू यहां पर लेंगे पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये आ रहा है 1 अपॉन v बराबर 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 10, ठीक है, तो 1 अपॉन v 1 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन 10, इसको सॉल्व करने पर आएगा माइनस 1 अपॉन 20, ठीक है, क्योंकि माइनस का 1 अपॉन 10 है, इसमें से आधा गया तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू यहाँ से हमको डायरेक्ट दिख रहा है कितना आएगा, माइनस 20 सेंटीमीटर। ओके, तो माइनस 20 सेंटीमीटर फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों, इसके बाद आता है हमारा 50वां प्रश्न, और इसके अंदर आपसे कहा गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस इज 40 सेंटीमीटर फॉर ईच सरफेस, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज 1.5, देन फोकल लेंथ विल बी। तो बच्चों हमको पता है 1 अपॉन f ये होता है म्यू माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और क्योंकि हमको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कॉन्वेक्स लेंस, दोनों R1 और R2 का वैल्यू सेम है, एक प्लस में आएगा एक माइनस में, तो इनको सॉल्व करने पर आपको पता है कि फाइनली आपको मिलता है R बाई टू म्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला। तो हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। R का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 दिया हुआ है, तो 40/2 म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस 1, ठीक है, यह आएगा 20, नीचे आ जाएगा 0.5, तो 20/0.5 मतलब 1/2, ऊपर जाके 2 से गुणा हो गए, 20 यानी 40। ओके, सो ये आएगा 40 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आएगी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ओके बच्चों, तो ये था हमारा आखिरी प्रश्न। ओके बच्चों, तो ये था हमारा DCM टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2021 का मेजर टेस्ट नंबर 8। So I hope you got it.
चलिए मिलते हैं फिर किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग खूब मेहनत कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो टेक केयर, जय सी एल सी, बाय बाय।